Hello and welcome to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द आरवाई ज़ैप ऐप. एंड द न्यूज़ आउट ऑफ अहमदाबाद इज दैट इंडिया हैव वन दिस गेम, डिमोलिशिंग पाकिस्तान कंप्लीटली एंड टेकिंग होम ए ग्रेट विक्ट्री, समथिंग दैट द फैंस मस्ट बी रियली एंजॉयिंग. अ ह्यूज क्राउड देयर इन अहमदाबाद एंड ऑफ कोर्स मोस्ट आईबॉल्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन फैंस. In the pavilion, I am joined by four Pakistani former captains, four great cricketing minds. I've got with me Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and Wasim Akram. All right, with that, let's take a look at the match summary. This is how it went down. ऐसे ये मैच हुआ है जनाब. आज इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी. पाकिस्तान अपने पूरे 50 ओवर नहीं खेल सका, 191 रन पे ऑल आउट हो गया. एक अच्छी इनिंग थी बाबर आजम कप्तान की, उन्होंने निस सेंचुरी गाड़ी. उसके अलावा मोहम्मद रिजवान 49 पे जो थे वो आउट हुए. और फिर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कलैप्स हुआ एक, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 42.5 ओवर्स में ऑल आउट हो गया. बट लुक एट द बॉलिंग कार्ड देयर फॉर इंडिया, रियली दे मस्ट बी वेरी प्राउड. इज बुमराह, हार्दिक, कुलदीप, एवरीबॉडी पिकिंग अप टू विकेट्स ईच एंड लुकिंग रियली रियली गुड. इन रिस्पॉन्स इट वॉज रोहित शर्मा दैट कंप्लीटली डेसिमेटेड द पाकिस्तानी बॉलर्स विद सम मैग्निफिसेंट सिक्सेस. एंड ही वॉज देयर, देयर वॉज अ स्मॉल अपीयरेंस देयर बाय गिल हू केम बैक फ्रॉम डेंगी. बट उन्होंने एक दो शॉटें बड़ी अच्छी मारी, उसके बाद वो पॉइंट पे कैच आउट हुए. बट ओवरऑल ए एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान फॉर ऑल पाकिस्तानी फैंस. बट गुस्सा हम समझ सकते हैं, नाराजगी हम समझ सकते हैं, मगर इस वक्त पहले देखते हैं जरा पॉइंट से. दोस्तों ये रहा पॉइंट टेबल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का. इस वक्त इंडिया बिल्कुल टॉप पे है और अपने रन रेट का, उनका नेट रन रेट भी बड़ा अच्छा हो चुका है. और उनके पॉइंट्स आप देख लें, तीन मैचेस खेले, तीनों की तीनों जीते हैं, लुकिंग लाइक चैंपियंस. उसके बाद न्यूजीलैंड आल्सो प्लेड थ्री गेम्स एंड हैव वन थ्री गेम्स, आल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड. साउथ अफ्रीका हैव प्लेड टू गेम्स, हैव वन टू गेम्स, लुकिंग गुड. पाकिस्तान नाउ सिटिंग एट नंबर फोर विद थ्री गेम्स टू विन्स वन लॉस एंड मनफी में है अब पाकिस्तान का नेट रन रेट. इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान बिहाइंड पाकिस्तान एट दिस स्टेज. सबने दो दो मैचेस खेले, पाकिस्तान तीन मैचेस खेल चुका है. एक चीज याद रहे कि टॉप चार टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी एंड दैट्स योर पॉइंट्स टेबल. ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यू वसीम. Very disappointed Pakistani fans around the world today. That was not a par performance at all. हमने मैच से शुरू में भी ये बात की थी कि as long as there is a fighting game, we are happy with it, even if we lose. But इस पे तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं, अचानक बहुत सारे डिबेट्स खुल जाते हैं. बट एक और चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी कि गैप ODIs का, जब आप हम स्टैट डिस्कस कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीते हुए हैं और अभी भी हम हेड हैं ODIs में, आपने लेकिन एक चीज़ आज पॉइंट आउट की थी कि वो गैप छोटा होता जा रहा है. और वाजे तौर पे आज जिस किस्म की हमने क्रिकेट देखी है, जो इंडिया ने खेली है और जो पाकिस्तान ने खेली है, तो दिस गैप इज गोइंग टू डिसअपीयर वेरी फास्ट. या मैसिव गैप. आई कैन अंडरस्टैंड द डिसअपॉइंटमेंट बाय द फैंस इन पाकिस्तान और लिविंग अब्रॉड. यू सी, यू गाइस डोंट माइंड अगर लास्ट बॉल तक फाइट हो, अगर पाकिस्तान हारता भी है या इंडिया जीतता है या हारता है, व्हाटएवर, पर आखिरी गेंद तक फाइट होनी बड़ी ज़रूरी है. और यू सी, मैंने सुबह भी कहा था कि इंडिया 70 पाकिस्तान 30. वो रीसेंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल टीम कॉम्बिनेशन की, फिटनेस की, उनकी प्लानिंग की, फ्यूचर की, एवरीथिंग यू नो इकट्ठा मिला होता है हमारे यहाँ. यू सी, ब्लेम तो नहीं करता मैं किसी को, मगर तीन साल में तीन चेयरमैन बदल रहे हैं तो टीम का भी फिर जो फोकस होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है, उनको फिक्रें ये लगी होती है कि हमने अगले सीरीज़ में होना है नहीं होना. मैं कोचेस की और स्टाफ की बात कर रहा हूँ. सो एवरीथिंग चेंजेस, द होल डायनामिक्स ऑफ रनिंग द टीम चेंजेस. एंड टुडे वी वर बी डिस्कस्ड इन द ब्रेक टाइम के 154 for 2 एंड देन 191 ऑल आउट. And I think we lost about 7 wickets. जी सर, we lost 36 रन के ऊपर हमारी 11 से 40 ओवर के दरमियान 138 रन किए, 103 डॉट बॉले और 7 विकेटें हमने गवाई हैं. 187 में 7 आउट थे हम. तो ऑब्वियसली ऐसी टीम के खिलाफ, ऐसे क्राउड में जहां आपके कोई सपोर्ट नहीं है, 1,20,000 सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम नज़र आई. फास्ट बॉलिंग में मुझे तो, मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ मिसबा से, शेबी से, बिकॉज ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, मैं स्पेशली शेबी, कि मुझे तो फिटनेस का भी कुछ फ़र्क लगता है. यू नो, फिटनेस के टेस्ट होने बंद हो गए हुए हैं. बिफोर जब मिसबा कोच था तो यो यो टेस्ट, जो भी टेस्ट ये करता था
तो लड़के कंप्लेन करते थे आके मुझे, या कभी मिलते थे कि देखो जी वो रैंडम फिटनेस टेस्ट हो जाता है. सो देर वॉज अ रीज़न बिहाइंड दैट मैथड कि महीने में एक दफ़ा इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का फिटनेस टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है. आया ही उस लेवल पे हैं कि नहीं है. अगर आप महीने में नहीं करोगे एक दफ़ा रैंडमली तो वही यही हाल होना है आपका लॉन्ग लंबी मैचों में लॉन्ग रन में. मिस वेल, लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू. बहुत से सवाल या निशान लग गए हैं आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर. अच्छा, कोई हम जैसे लोगों के लिए तो कोई वो नहीं है, वी स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी पड़ा हुआ है. यू डोंट नो, पाकिस्तान टीम हैज़ अ फुल पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ कमबैक. हमारी टीम की अनसर्टेंटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि दे कैन बाउंस बैक एंड वी होप, वी रियली होप एंड प्रे कि दे बाउंस बैक. बट हियर इज अनदर थिंग, वी सी कि दूसरी टीमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जा रही हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर. उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेंटी की है. आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी हैं. नाउ लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू. दिस लुक्स जस्ट लाइक अ वेरी वेरी स्कैटर्ड, वेरी डिसओरिएंटेड काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी आर फेस्ड विद अगेन टुडे. देखें, बात सिंपल है. अभी मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊँगा कि अगर आप पीछे एशिया कप में भी देखें, 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखें, जहाँ भी आप इस टीम को देखेंगे, एक चीज़ कॉमन है कि स्लो पिच पे जब भी हम खेले हैं, वी हैव नो क्ल्यू कि हमने कैसे खेलना है. अगेंस्ट स्पिन हम फंस जाते हैं, उसके बाद जब इवन फास्ट बॉलर्स पे भी हम बॉलिंग को टेक ऑन नहीं करते, वेट करते हैं, और फिर ऐसा हमारा प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर कि फिर उसमें गलतियाँ हो के इस तरह आउट हो रहे हैं. कॉमन, अगर आप देखें एशिया कप आपके सामने कि इंडिया ने उसी पिच पे इतने रन्स किए, पाकिस्तान बैटिंग करने आया, पाकिस्तान फंस गया. आज भी अगर हम देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मुश्किल नहीं थी, स्लो थी पिच. 150 रन्स पे आपके सिर्फ दो आउट हैं, लेकिन जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जैसी बैटिंग की अगेंस्ट स्पिन, हमने उन पर चार्ज किया, निकल के छक्के भी मारे. अब्दुल्ला शफीक जो कि जिसका कि दूसरा तीसरा मैच है, उसने टेक ऑन किया स्पिनर्स को, फिर रिजवान ने भी उसके साथ थोड़ा सा अटैक किया, तो हम 340 प्लस रन चेस कर गए. आज नथिंग देयर, हमने उनको सेटल डाउन होने दिया. तो ये सामने आ रहा है कि यार एक ही प्रॉब्लम हमें हो रही है हर मैच में, वी लेट अपोजिशंस स्पिनर्स बॉल अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड. कहीं पे भी ना फील्ड यूज़ कर रहे हैं, ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं, और मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं. उसकी क्या रीज़न हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस. यू गाइस यू नो कैन एक्सप्लेन अस, एक्सप्लेन इट टू मी एज वेल, कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं. अंडर प्रेशर तो मोइन हार्क ही होता है ना वैसे बड़े मैचों में. दो ही थॉट है, विकेट गिरेगी, ये विकेट बचाने. ये जरा देखें मोइन, जो आप बात, ये जरा देखें जो वसीम बात कर रहे हैं. लुक एट द फुटवर्क दैट इंडियन बैट्समैन आर यूजिंग. कमांड होती है ना बैट्समैन की, देखें बैट्समैन की कमांड है. कमांड का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहा है. आप पहले से भी डरे हुए होंगे, यार मैं शॉट मारूंगा तो मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, क्रीज नहीं छोड़ूं मैं. अब ये जरा हमारे बैटर्स भी देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं. हमने अभी देखा कि किस तरीके से इंडियन है, ये जरा आप देखें बिल्कुल क्रीज में, ये देखें बैक फुट पे क्रीज के अंदर खड़े खड़े खेल रहे हैं. आप फास्ट बॉलर पे भी विकेटें गिरी है, वो भी क्रीज से बाहर, स्टेप आउट ही नहीं किया स्पिनर्स को. बिल्कुल, आप प्रेशर इसी तरह तो क्रिएट करते हैं कि आप कहीं भी बॉल को जरा सा भी टॉस करें या फ्लाइट देखें तो उसको निकल के पुश करें टुवर्ड्स द गैप. वो इंडिविजुअल एक तो प्लानिंग, और जैसा हम देखते हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया इंटेंट पाकिस्तानी किसी भी बैट्समैन का. क्या किसी भी इंडिविजुअल, बुमराह को आप खेल रहे हैं, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की. इनिशियली उसका गेंद स्विंग नहीं, उसने फौरन हटा दिया और फिर उसको उस वक्त लेके आया जहाँ पे गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था. रिवर्स के लिए भी उन्होंने प्रिपेयर किया बॉल को,
अक्रॉस दी सीम पकड़ के जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, यू नो कि बॉल बना फिर लेके आए। क्लिप में लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन का ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके। वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर पे 5 या 6 पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में। वो आपको किसी ने आके गुलतारे नहीं छोड़ने कि आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। नहीं लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हैं हमारे बैट्समैनों को, वो उस पर भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कुलदीप यादव था उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स ली हैं, तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस। छोड़े उसने, उसने छोड़े क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखें स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है, वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा, तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे यही प्लेयर्स जो हमारे हैं, इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो, तो ये इनमें स्किल है। सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें, फिर देखें यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े 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 रन भी कर रहे हैं। कब करेंगे, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो देखना चाहते हैं, वो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम वो देख सकें। एक ही मैच हुआ है, मैं इस मैच को रिलेट कर सकता हूँ, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी, जब हम लोग पहला मैच हार रहे थे, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो भी ऐसा ही कोई मैच था जो हमारा पहले बर्मिंघम में मैच हुआ था, और वहाँ पर बड़ी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैंने भी बात की थी, और मैंने एक ही चीज़ पर एम्फसाइज किया था। अब वो ये था कि मुश्किल टाइम होता है जब आप ऐसा मैच हारते हैं, इतना हाई वोल्टेज गेम हो और उसके बाद जब आप हार जाएं तो हर बंदा डाउन होता है, और हम भी डाउन हैं यहाँ पे बैठे हुए, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो भी डाउन हैं इस मैच को, आई एम श्योर प्लेयर्स भी होंगे इस टाइम पे नहीं समझ आती है, बट ये हिट लेनी चाहिए। जब आप हिट लेते हैं तो आपका अंदर वाला इंसान जागता है। ये टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ये हिट लें, जागें और देखें। आप लोगों ने सक्सेस ली हुई है, नंबर वन टीम है आप, एक टीम से कभी, एक मैच हारने से कभी भी आप बुरे नहीं बन जाते, एक मैच जीतने से आप बहुत अच्छे भी नहीं बन जाते, लेकिन सिर्फ ये है कि जो जिन चीज़ों पे काम करने वाला है वो ये है कि आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें चेंजेस लेके तो हम तो जो आपका कि जो हिट्स लगी थी एशिया कप में वही काफ़ी होंगी, मजीद हिट्स लेनी है हमने अभी और भी क्या। देखें इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी 6 मैचेस हैं। इन 15 से कोई शिकायत नहीं है, जो 11 हमारे 12 खेले इनसे कोई शिकायत नहीं, दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव अवेलेबल एंड दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव गिवन इनटू इट। हाउएवर व्हेन आई डू द कंपैरिजन वी लुक एट व्हाट इंडिया इज डूइंग, वो जो 11 अपने ग्राउंड में उतार रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गए हैं, एक गैप वाजे तौर पे दो टीमों के बीच में नजर आना शुरू हो गया है। तो गोया मैं इन 11 को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर रहा, आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी वी आर बिहाइंड देम ऑल द वे, बट आई एम नाउ गोइंग टू से दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी क्वेश्चनिंग द सिस्टम दैट इज बिहाइंड इट ऑल, दैट इज कॉजिंग दिस, बिकॉज ये वही साइकिल नजर आ रहा है खुदा ना खासा मुझे जो पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुआ, स्क्वाश के साथ हुआ और बहुत सारे उस पर हुआ। Having said that, that's a different debate. It has nothing to do with the team, and I will completely side with you on this. We have a lot of games to go. We're going to take a break, but when we come back, there's more to talk about.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एआरवाई ऐप ऐप आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 एंड फ्रॉम अहमदाबाद इंडिया कंप्लीटली डिमोलिशिंग द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिस गेम विनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड पुटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ओवर पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस हाउएवर वी आर गोइंग टू टेक अ लुक इन डिफरेंट एरियाज वेयर पाकिस्तान कैन इंप्रूव इट्स गेम क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस हैं अभी और बहुत सारे क्लैशेस हैं एंड देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम हिज बैटिंग टुडे आज भी बड़ी जबरदस्त उन्होंने निस सेंचुरी खेली है मिसबा बड़े बेहतरीन तरीके से लेकिन मेरा एक सवाल है मिसबा अगर आप देखें रिजवान और बाबर आजम दोनों को एक समवट हमें प्लेटफॉर्म मिला था हमारे ओपनर्स की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन किए उसके बाद इमामुल हक ने 36 रन किए तो उसके बाद बाबर रिजवान आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट्स एक्चुअली अब्दुल्ला के भी और इमाम के भी एंड आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट ऑफ द अदर साइड इंडियन साइड दिस इज ह्यूज डिफरेंस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपको स्टार्ट मिलता है और आपके रन फर्स्ट 20-30 रन आर डिफ़िकल्ट और इतने प्रेशर मैच में स्टार्ट आपके लिए मुश्किल होता है वंस यू गेट सेटल्ड उसके बाद आपको डोमिनेट करना चाहिए इनिशियली बहुत अच्छे शॉट्स भी मारे रन भी हुए बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ स्पिनर्स जब आए बॉलिंग करने के लिए स्पिनर्स पे अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे चार्ज कर देते उनको अंडर प्रेशर कर देते तो मेरे ख्याल में स्टोरी डिफरेंट होती बेसिकली वी लेट देम बॉल इवन देन आई थिंक टिल 30th ओवर वी वर इन द कंट्रोल 150 ऑन द बोर्ड फ्रॉम देयर अगर हम सोचें जो पिच की सिचुएशन थी इस पार्टनरशिप को हम ले के जाते कंटिन्यू करते आगे 200 तक ये दोनों खेलते तो मुझे लगता है कि 300 रन फिर भी पाकिस्तान लग रहा था कि पाकिस्तान कर सकता है स्लो पिच पे और 300 रन या 290 रन स्टोरी कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट तो ये जिस तरीके से स्टार्ट लिया अच्छा खेल रहे थे उसको जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे बड़ा नहीं करेंगे जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया और उन्होंने मैच एक साइड पर कर दिया ऊपर से यही यहाँ पे कर रहे हैं सारे प्लेयर अब जैसे कि रिजवान पिछले मैच में खेले अब्दुल्ला शफीक खेले आप अगर अपने स्टार्ट्स को थ्रो करेंगे और एक ही मोमेंटम में खेलेंगे भाई आप सेटल डाउन हो गए उस पिछले मैच में रिजवान ने और अब्दुल्ला ने सेटल होने के बाद अटैक किया फिर अगली टीम को फिर बिल्कुल अंडर प्रेशर कर दिया यहाँ पे हम मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इस मैच का प्रेशर लिया हमने कोशिश किया वेट किया कि रन हो वो फिर प्रेशर बिल्ड होता गया और सडनली जब विकेट गिरी है तो एकदम जो है वो हमारा क्लैप्स हुआ वहाँ पर इसमें क्या होता है जैसे मिसबा भाई कह रहे हैं कि सेट हुए तो इनको वो लंबे रन बनाने चाहिए थे लेकिन उस टाइम पे कंडीशंस चेंज हुई जब आप स्लो पिच पे खेलते हैं तो right. जैसे ही बॉल्स पुराने होते हैं तो जिस तरह आप पहले खेल रहे थे उस तरह नहीं आपसे खेला जाएगा फिर आपको थोड़े उठा के शॉट्स खेलने पड़ते हैं आपको डाउन द ग्राउंड खेलना पड़ता है जिसकी वजह से वो इनिंग्स अगर आप 50 में जा रहे हैं तो वो 80s में चली जाती है 100s में चली जाती है जो कि दूसरी टीम्स कर रही हैं yeah. तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जब आप सेट हो गए हुए हैं आप 50 पे खेल रहे हैं फिर आपको डाउन द ग्राउंड खेलना है अनलेस कोई आपको शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दे फिर आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दूसरा ये है कि जब दो आपके आउट हैं तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड जो हमने पिछले मैच में मुईन भाई ने बार बार बात की अब्दुल्ला की और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी आपने चांस लिए कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेने हैं मिड ऑफ ऊपर हैं और अगर खिंचा हुआ बॉल आपको और ऑफ स्पिन बीच में कर रहे हैं कटर्स कर रहे हैं फास्ट बॉलर एक आधा बॉल आप चांस लेते हैं तो आपका सामने का सिंगल खुलता है थोड़ा सा अगली टीम अंडर प्रेशर होती है बजाय इसके कि आप स्क्वेयर ऑफ द विकेट आपको बीच का गेंद स्क्वेयर पे खेलना पड़े या थर्ड मैन जैसे बाबर खेलने गए आप पे प्रेशर कम होता है सामने में डाउन पीछे चलेगी सामने आराम से आपको सिंगल मिलता है तो ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल हमने सेफ खेल के अगली टीम हमें स्कोर देगी थोड़ा सा छोटी टीम्स के अगेंस्ट वो आप खेल सकते हैं वैसे हाँ। लेकिन बड़ी टीम्स अच्छे बोलेंगे अटैक्स जो है ना वो कह रहा हूं मैं वहां कमेंट्री के लिए था पहला मैच जो इंडिया से हुआ जो बारिश की नज़र हो गया मैं तब से कह रहा था ये कुलदीप तंग करेगा पाकिस्तान के मिडल और कुलदीप तंग करेगा तब से मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 3-4 weeks तो हो गए होंगे उस मैच को तो कोई अगर सुन लेता थिंक टैंक पाकिस्तान का जो बाहर बैठे हुए हैं 25-30 लोग
तो वो जो दो हमारे यंग स्पिनर हैं वो जो हैं फैसल अकरम और सुफियान मुकीम, सुफियान इवन शाहीन की टीम में है और उसने अच्छी बॉलिंग की है, अभी भी वो गया था नहीं आई नो, तो उनको ये साथ ले जाते प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा खर्चे पे क्या फर्क पड़ना, दो लड़के रखे साथ खेले प्रैक्टिस नेट्स के लिए, मतलब स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलने के लिए मैं क्या करता था, मैं 5-6 स्पिनर्स हर टाइप के लेके मैं 2.5-2.5 घंटे उनको बैटिंग करता था नेट्स में, और उसमें मैं ये भी करता था स्ट्राइक रोटेशन और फिर उसके बाद कैसे उनको जो है छक्के मारने हैं, ये सारी प्रैक्टिस। यकीन करें आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लंबी बैटिंग करें नेट्स में अगेंस्ट स्पिन या आपको पेस के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, आप लंबी बैटिंग करें हर चीज़ सेट हो जाती है। मैं और एक चीज़ यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि लंबी बैटिंग का ये नहीं मतलब कि बैटिंग करने जाओ और हर गेंद पे छक्का मार दो, कौन नेट में बैटिंग का मतलब ये होता है कि आप जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके बल्ले में गेंद आए, आप मैच की तरह बैटिंग करो, सिंगल करी, अगर मैं फील्डर अपने माइंड से बात की, बॉलर को बताया ये मिड ऑफ तेरा ऊपर है अभी मैं, ये मेरी अपनी फील्ड सेट कर, देन यू कैन प्लान इट, बट जाके अंधाधुंध हर गेंद पे हिट मार देनी। 2019 में वर्ल्ड कप के बाद हमारी सीरीज़ हुई थी, मैं अभी आया ही था, श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी सीरीज़ थी, वनडे और T20 सीरीज़ थी, तो फसरंगा थे जाहिर है उनके और संदाकन थे, तो पाकिस्तान क्योंकि कुलदीप यादव से तंग हुआ था, तो मैंने पूरे पाकिस्तान से कुछ 4 ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, फैसल अकरम भी था उसमें, 2-3 और थे, फिर लेग स्पिनर 3-4 थे, और पूरे कैंप के दौरान अलग अलग नेट्स लगवाए कि ये जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो अलग नेट पे बॉल करेगा, लेग स्पिनर अलग नेट पे बॉल करेगा, और हर बैट्समैन एटलीस्ट 40-45 मिनट्स वहाँ पे बैटिंग करेगा, और जब बॉल हाथ से निकलेगा तो पीछे में खड़ा होता था कि आपने खेलने से पहले हाथ से निकलते ही बोलना है कि ये लेग स्पिन था, ये गुगली था या फ्लिपर, ताकि आप उस बॉल को वॉच करें। अच्छा, इतनी एक्सरसाइज हमने की सारी, आई होप कि उससे कोई बेहतरी आई हो, बट हुआ क्या, हाईएस्ट विकेट टेकर हसरंगा 3-20 में को मेरे ख्याल में उसने हमारे 13-14 आउट कर दिए। सो दो चीज़ें थी, मैं हमेशा एक चीज़ मेरे को बताता था कि अगर आपको पिक नहीं हो रहा तो यू ऑलवेज जस्ट प्ले इन द वी, कोशिश करें उसको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने ना जाए इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर। इस लेवल पे पिक तो होना चाहिए यार, एट दिस लेवल अगर नहीं भी होता तो उसका ऑप्शन भी तो है ना वसीम के, आप सीधा खेले। वसीम भाई यकीन करें मुझे नहीं पता जब राशिद गुगली करता है। श्योर अभी मैं नूर अहमद को खेल रहा था ड्यूरिंग LPL, मुझे नहीं पता था उसका उल्टा वाला कौन सा है ये, लेकिन मैं कैनेडा से मेरा ले ओवर था दुबई में फॉर अबाउट डे एंड अ हाफ, तो मैंने कहा मैं श्रीलंका जा रहा हूँ अब मुझे ज़रा कुछ करना है। मैंने प्रैक्टिस की वो ले ओवर में दुबई में 2 घंटे, मैं वहाँ जाके खेला, मुझे कोई स्पिनर मलाई लग रहे थे, मलाई लग रहे थे। ट्रांजिशन की ना, आपने अपने आप को तैयार किया उस पे, तो सिर्फ आपको रेडी करना है अपने आप को, गिव योरसेल्फ टाइम इन द नेट्स एंड बैट अगेंस्ट कि जिसके अगेंस्ट आपको लगता है कि यार मैं स्ट्रगल करूंगा एज अ बैटर। हमारे लड़के बहुत प्रैक्टिस से बहुत करते हैं, मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था यहाँ पे दोनों कप्तानों के इंटेंट का। देखें रोहित ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को दावत दी तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया एक कम टोटल पे, ठीक है। अब बाबर की बैटिंग की थोड़ी सी बात करूंगा, इंटेंट एज अ कैप्टन, यू नो जिस तरह वो खेले नजर आ रहा था क्लियरली कि बाबर का नेचुरल गेम नहीं है, क्लियरली नज़र आ रहा था, विकेटों के अंदर खड़े होकर खेले थे, कहीं भी चांस नहीं लेते दोनों का। आप अगर देख लेंगे बाबर ने 50 रन तो ज़रूर किए, 58 बॉलें ली हैं उसने, वेयर एज रोहित जब आया बैटिंग करने वो तो मैं कह रहा हूँ इसको एक सेटल पिच मिली थी, सेटल सिचुएशन मिली थी, 41 के ऊपर पहली विकेट गिरी थी, इसको आके वहाँ पे फ्लो को थोड़ा सा मेनटेन करना चाहिए था या थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था। रोहित नए बॉल के ऊपर आते ही जिस तरह की उसने हिटिंग की है, वन साइडेड मैच करके, ये जो इंटेंट होता है ना ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है टीम के अंदर ये चीज। जी बिल्कुल, आप जरा देखें पहला बॉल था, ये पहला गेंद था, कोई उन्होंने लिहाज नहीं बोल रहा ना, तो ये चीजें फिर रिफ्लेक्ट करती है ना टीम के अंदर के भाई। मोइन अनदर वन गुड पॉइंट, अनदर वन, अब जैसे पहली बॉल पे चौका पड़ा है शाफी जी के, उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरा बॉल अंदर नहीं आएगा तो मुझे पहले एक दो बॉल अगर शॉट लगेगी तो लगेगी टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड दैट टू बिहाइंड लेग अंपायर, तो आप फाइन लेग को उधर ले जा सकते हो, मिड विकेट वाला फाइन लेग पे ले जा सकते हो पहली 2 गेंदों के लिए, 3 गेंदों के लिए। मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, ये शुभमन गिल हालांकि वो सिर्फ 16 रन बना के आउट हो गए, 4 चौके मारे उन्होंने उस 16 रन पे, वो सारे के सारे देयर ऑल बाउंड्रीज, राइट, इंटेंट एंड इंटेंट एंड इंटेंट। देखे
अगर हम बाबर को कंपेयर करेंगे रोहित शर्मा से या रोहित शर्मा को उससे, इट डजंट मेक सेंस, मुझे ये लगता है। मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, जो इंटेंट होता है ना कप्तान का, वो बड़ा रिफ्लेक्ट करता है वो चीजें सारी टीम के अंदर, यू नो जिस तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए विराट कोहली आगे 10 से 15 बॉले लेते हैं, फिर वो बाद में कैच अप करते हैं, ऐसे ही बाबर का वे ऑफ प्लेइंग उससे आप मिला सकते हैं। ही टेक्स फ्यू बॉल्स टू गेट सेटल एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। तो देखिए वो वर्ड से अपनी चीज कर सकते हैं, इनिंग्स दिखा के मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो हो सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कोहली एक रन पे थे तो उन्होंने ड्राइव मारी थी, पॉजिटिव वो इंटेंट जाता है ना टीम के अंदर भी। आपका कप्तान जब डरा हुआ नजर आएगा नहीं खेलेगा तो लड़के भी फिर वैसे ही रिएक्ट करते हैं, यू नो। तो ये चीज मैं कह रहा था, कंपैरिजन कप्तानी के इंटेंट की कंपैरिजन हो रही है, मैं प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन नहीं कर रहा इस चीज को, यू नो। आई थिंक एक चीज बड़ी जरूरी है जो मलिक ने भी बात की है, जो मोइन भाई ने भी बात की है, हम लोग हमेशा स्पिन, अच्छा स्पिनर अगर आप उस पर आपके पास कोई रिलीज शॉट नहीं है, अटैक नहीं करेंगे तो आप, देर इज़ नो वे टू गो, आप फंसे रहेंगे, टीम भी फंसेगी। या आप स्वीप शॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो आपके पास, या खड़े खड़े आप स्लॉग स्वीप या बड़ी हिट मार सकें, या फीट यूज़ करें। वो तीनों चीज़ें हमने नहीं की। इवन रिजवान जो बहुत अच्छी स्लॉग स्वीप और स्वीप मारता है, आज उसने भी कोई एक आध दफा कोशिश की है, वो अपील हुई है, उसके बाद उसने भी ट्राई नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी रीज़न थी कुलदीप यादव की सक्सेस की, और जडेजा की भी जिस तरह उसने बॉलिंग की, और दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बट दे हैव कुलदीप यादव क्लियरली सेइंग दैट दे वरंट ट्राइंग एनीथिंग, मीनिंग पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ कर नहीं रहे थे और हमने विकेटों के बीच में जो है वो बॉल किया, स्लो विकेट था। आई मीन द ऑपोजिशन इज सेइंग द सेम थिंग दैट वी आर सेइंग, नो इंटेंट। बिल्कुल, ये तो एक सिंपल सी चीज थी जो सामने नजर आ रही है, बट जैसे भी हम खेल रहे थे इसको हमें स्ट्रेच थोड़ा सा और करना चाहिए था, 10 ओवर और इस तरह की बैटिंग होती तो एटलीस्ट वही मैं बात दो वाली बॉल थी, आप उसको कहीं भी खेल सकते थे, मिड ऑफ मिड ऑन, बट जब आप दो माइंड में हो कि मैं आउट हुए हुए हैं तो फिर आप इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें फील्डर के हाथ में मारते हो। बिल्कुल, वो एक आपने अब हु प्लेज टू अ स्पिनर on this slow pitch, standing within the crease and then playing on a back foot. Wasim bhai, देखिए ये तो है कि आप assess नहीं कर पाए उसे as a batter. नहीं, but generally जो बंदा slow ball करता है ना, कोई भी slow wicket, slow ball, आप front foot पे जाते हो ना, जो slow ball करता है उसको behind stumps shots लगते ही नहीं है। जो ball air में slow करता है उसको आप down the ground खेलते हैं। ऐसे ही मैं कब से बोल रहा हूँ कि जो slow ball करता है, आपने इतनी cricket खेली है मिसबा भाई ने, वसीम भाई आपने देखा है, जो स्लो करता है स्पिनर उसको आप सामने खेलोगे स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारनी पड़ती है। Here's my question, Wasim. Would the batting coach not have told this to our boys? Batting coach doesn't have to. Yeah, you should know they're this playing for the country. Yeah. This is not under 19, under 16 team. I agree with you. Batting coach ne plan dena ke yehi hai, baki to aapne khud upar jaake inning plan karni hai na. Kuldeep Yadav ke against, it's now, I mean, 2019 World Cup, wahan pe bhi trouble kiya unhone, phir abhi Asia Cup mein kiya, yahan pe aake. Dekhe, is saal Kuldeep ki misbah, 7 wickets hain Pakistan ke khilaaf. Bilkul. Average is 8.57, economy rate is 3.33. Wow. I mean, it's like he's playing against people who actually can't see his read. तो क्या है? देख भी नहीं सकते आप. तो उसी में आप विकेट्स को उसकी बेशक 10 कर दें, लेकिन economy को 3-6 पे तो ले जाएं. लेकिन plan, जो overall एक plan नजर आ था, वो यही लग रहा था कि जैसे उसकी overs just they are playing, कि इसके over निकालने हमने without wicket को try नहीं करनी हमने. चलिए मैं नहीं था कहता, sorry, no. ये मैं नहीं था कहता. Then let me get the record straight. Okay, please. ये great job. मियादाद कहते थे, दिस इज ये होता है, दिस इज ये होता है, और दिस इज ब्रेक होता है. मिलती हूँ. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhri Anam. You're watching A Sports and Sports and the AIYZ app. And with me in the Pavilion, I've got four Pakistani former captains, great cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq Moeen Khan, and the great Wasim Akram. Break pe jaane se pehle bhi hum baat kar rahe the Pakistan India ke match ki. India winning this one very convincingly. Pakistan, well, a lot to be worried about, concerned about, but I'm sure there's a lot of matches ahead for Pakistan in this World Cup. Wasim, ek cheez baat kar rahe the, hum Pakistan ki batting ki baat kar rahe hain ki ji intent nahi thi, ye nahi
जीता वो नहीं था बट वी मस्ट ऑल्सो गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बोलर्स एंड स्पेशली यू नो पाकिस्तान ने आज 257 बॉल्स खेली हैं जिसमें से 154 डॉट बॉल्स हैं ऑलमोस्ट 60% ऑफ द डिलीवरीज एट पाकिस्तान फेस टूडे were dot balls. And I think what triggered the collapse, we were doing fine. जब वो आठ ओवर का फेज आया था 1927 तक जहाँ सिर्फ पाकिस्तान ने 29 रन किए हैं वो प्रेशर इतना माउंट हो गया ना डॉट बॉल्स वाली बात एक विकेट गिरी उसके बाद देयर वाज अ टोटल डिजास्टर बुमराह की बात करते हैं वसीम आप यू हैव बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम बट टुडे अगेन शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था कप्तान ने चेंज किया बट व्हेन ही केम बैक वाओ ही वाज टोटली डिफरेंट देखिए शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर दुनिया का बेहतरीन बॉलर है छोटा रन अप है डिफरेंट एक्शन है पेस है फिर वो उसने एक दो चौके खाए हैं फिर उसने इतनी मार भी नहीं खाई कि कम बैक ना हो सके उसका देखे ना बैक ऑफ अ लेंथ विद इन एवरीथिंग इज फिनिशिंग विद इन द स्टंप एंड दैट वाज अ स्लो बॉल और सेट बैट्समैन को और ये दिस वाज एनी बैट्समैन वुड हैव गॉट ऑन दिस डिलीवरी इट लिफ्ट बैक and then pitched and held his line and just clipped his off stump. I mean, this was unbelievable delivery on that particular track. He's got two wickets for 19 run and 7, but ek attitude hota hai bowler ka. Ab jab Harris bowling karne aata hai, nothing against Harris, he's been Pakistan's main bowler. Aata bhi wo first change mein hai. Mujhe lagta hai, ya maine uska record bhi dekha hai, ki ye do teen chauke khayega, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है स्लिप में गया है बड़ा कम होता है उसका बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पर आता है अनलेस इट्स रिवर्स स्विंगिंग ही इज गॉट पेस नो डाउट ही हैज टू इम्प्रूव हिज लेंथ फॉर वन डे क्रिकेट टी ट्वेंटी बॉलिंग वन डे बॉलिंग एंड टेस्ट मैच बॉलिंग इज ये आज डिफरेंट बीस्ट आज ये हारिस की बॉलिंग आपके सामने लेकिन आप फुल अनबिलीवेबल ये शॉट मेरा मतलब है बड़ी बिग शॉट है यस डाउन लेग साइड शॉट लुक एट दैट अगेन ये अगर आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो अगर आपके मेन बॉलर को दो ओवरों में या तीन ओवरों में 30 या 25 हो गया है सो गेम ओवर आपका ख्याल ये नहीं कि इसको जब शुरू में आता है थोड़ा सा अक्रॉस द सीम पकड़ के बॉल करे जस्ट टू ट्राई टू गेट अ रिवर्स वे पेस है बाउंसर भी हमने जो किए हैं बाउंसर किए हैं इस हाइट पे अब रोहित शर्मा इज नॉट 6'5" इज लाइक नॉर्मल हाइट यहाँ बाउंसर करना है तो आपने उसको इस हाइट पे करना है इस हाइट पे वो भी थोड़ा बाहर ताकि वो पुल करे वो खड़ा हो ये फाइन लेग भी है स्क्वायर लेग भी है अगर आप यहाँ करोगे तो उसकी एक ही जगह है मैं इसलिए पूछ रहा था कि सिराज ने भी वसीम भाई आज अक्रॉस द सीम पकड़ के बहुत बॉलिंग की बहुत बॉलिंग की क्रॉस द सीम विकेट उसी पे लिए कई दफा बॉल जब पेट पे लगता है तो स्किट कर जाता है ये सर इसको जरा क्लोज अप क्रॉस द सीम अगर इस पे लगेगा तो शायद कई दफा स्किट कर जाता है कई दफा अगर बॉल फंस रहा है पिच पे तो रुक जाता है और अगर आपका नेचुरल स्विंग फॉर इंस्टेंस राइट हैंडर का आउट स्विंग है अगर वो क्रॉस सीम करेगा तो वो पढ़ के अंदर आ जाएगा अब्दुल्ला शफी को भी मतलब गेंद स्किट कर गया मेरा ख्याल है शॉट भी बड़ी गंदी थी ना उसकी वो ये शॉट मिड विकेट मिड ऑन के दरमियान बनती थी ऐसे नहीं थी बनती लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जब भी उनकी बॉलिंग कोई भी करने आया है चाहे वो बुमराह कर रहे थे या इवन स्टार्ट में सिराज ने वो एक प्लान के वो इमाम शुरू में क्रॉस जाते हैं लेग बिफोर का चांस होता तो अर्ली ऑन उसको फुलर गेंद किया दो तीन चौके खाए लेकिन वो कोशिश कर रहे थे लेग बिफोर करने की और जैसे वो उस प्लान से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि ये अच्छा खेलना शुरू हो गया तो फिर फौरन उन्होंने अपना प्लान वो चेंज किया फिर इमाम को गली लिया उन्होंने पॉइंट और गली वहाँ सिंगल या ऊंची शॉट जाने के लिए वहाँ थोड़ा सा खींचा हुआ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर किया और वहीं पे हार्दिक पांड्या वहां से विकेट भी ले गए उनके तो पूरा एक पूरा प्लान सेटअप गया इवन बाबर आया उसको बाउंसर जब उन्होंने किए वो क्रॉस सीम कर रहे थे और बकायदा मिड विकेट थी स्क्वायर लेग थोड़ा सा बाहर लिया था फाइन लेग था विद इन द स्टंप्स एंड देन बाउंसर पूरा प्लान करके कर रहे थे कि शायद यहाँ पे विकेट मिल जाए और जैसे ही उससे निकलते रहे हैं तो उसके बाद वो फिर प्लान उनका ये देखें वो पूरी कोशिश उन्होंने की ये क्या ये भी सेटअप बड़ा अच्छा बिल्कुल सेटअप था वहाँ पे और इवन आप देखें उसमें उन्होंने एक कैचिंग फील्डर भी लिया हुआ था गली में बिल्कुल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वसीम भाई ने बात की है कि उनकी लेंथ चेक कर लें ना स्लोअर वन भी कर रहे हैं अगर तेज़ भी कर रहे हैं
तो वही टॉप ऑफ ऑफ स्टंप वाली लेंथ है जिसको ना आप सामने मार सकते हैं ना क्रॉस मार सकते हैं इस विकेट. मैं स्किप यू नो आप जब बॉल करते थे यही होता था सेटअप करना एक एंड से एक ऑपरेट करके एक चीज अटैक करता था डॉल. बट आई वांट टू से मैं ये जरा स्टैट्स पे एक दफा फिर नजर डालते हैं. शाहीन शाह आफरीदी ने आज जो है वो 6 ओवर कराए, उनको 5 चौके और 1 छक्का लगा है. ठीक है, हसन अली को 7 चौके लगे, मोहम्मद अवास को 3 चौके 2 छक्के लगे, हारिस रऊफ को 1 चौका 3 छक्के लगे, शादाब खान को 2 चौके 2 छक्के लगे. देर वॉज जिस तरह मिसबा बार बार इस बात पे करते हैं यू कुड नॉट सी दैट देर इज अ प्लानिंग कि यार हमने रोहित को यहाँ पर फंसाना है या उसको यहाँ पे चोक करना है सिंगल रोकने या बाउंड्रियाँ रोकनी है ऑल एंड यू कुड क्लियरली सी दैट द इंडियन बैटर्स आर नॉट अफ्रेड टू टेक द एरियल राउट दे विल गो फॉर दैट. हमने आज एक भी छक्का नहीं मारा अपनी इनिंग्स में, किसी बैट्समैन ने कोई वो नहीं किया. हाउ डू वी इंस्टिल, चूंकि अभी आपने कहा कि अब इस लेवल पर आप कोच नहीं कर सकते, ये तो उनकी अपनी प्लानिंग, आप बता सकते हैं उनको वो नहीं कर सकते, हाउ डू वी एड्रेस दिस थिंग? It's a very simple solution. These boys should be allowed to play 4-day cricket. जब पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा, अगर हारिस राव रेड बॉल के टेस्ट मैच में नहीं है तो यहाँ फर्स्ट क्लास खेले, उससे उसके बॉलिंग मसल स्ट्रांग होंगे, उसकी लेंथ बेहतर होगी, उसको बैट्समैन को फॉक्स आउट करना आएगा. अगर आप उसको इजाज़त दे दोगे रेड बॉल पे नहीं जा रहा वो ऑस्ट्रेलिया फॉर इंस्टेंस, अगर वो नहीं पिक होता फॉर रेड बॉल क्रिकेट और डजंट वांट टू प्ले, आई डोंट नो व्हाट आर हिज प्लान्स, बट ही शुड बी कि कंसिडर वाइट बॉल में होगा अगर वो फर्स्ट क्लास खेलेगा तो. ये सारे लड़के नसीम शाह शाहीन ऑल दीज गाइज, बिकॉज टेस्ट मैच में आपने विकटें लेनी है और आपकी ये वर्ल्ड कप तो अभी है, इसके बाद जो और मुश्किल टूर है वो ऑस्ट्रेलिया का है और सोने पे सुहागा पहला टेस्ट मैच है अभी पर्थ, जहाँ बाउंस सिर्फ यहाँ से गुजरता है बॉल, लेंथ बॉल. मेरे ख्याल में अंदाजा भी नहीं कि हमारी वहाँ पे बॉलिंग क्या होगी, इंजरीज हैं बहुत ज़्यादा, फटीग्ड हैं, इंजरीज हैं. और यू हैव नो टाइम टू जस्ट गेट रेडी. एहसानुल्लाह इंजर्ड है, नसीम इंजर्ड है. मैं इस पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ. जो हमारे बॉलर्स हैं नो डाउट हाईली स्किल्ड टैलेंटेड हर चीज़ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिसिंग कर रही है मुझे वो ये लगता है कि जिस ए प्लान के साथ वो आते हैं जब तक उनको सक्सेस मिलती रहे उस चीज़ में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो दूसरी टीम पे हावी रहते हैं. लेकिन जब वो प्लान दूसरी टीम उनका काउंटर करे तो इनके पास बैकअप वाली कोई चीज नहीं होती है. मैं उस पे ये होता है कि प्लान बी जो है एज यू सेड बाबर आजम हैज बीन रनिंग द शो, यस दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी के लड़कों के साथ बैठे, तो बी प्लान होना चाहिए, वो नहीं चले तो सी होना चाहिए. इसका फ़ायदा क्या होगा? अभी आप देखेंगे जब तक आपकी फेवर में मैच जाता है आप हावी रहते हैं, आप तगड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाते हैं वो आपको काउंटर अटैक करते हैं आप पे, आपका प्लान जो है वो हट जाता है, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर्स नहीं है उस चीज़ पे. अगर मैं उस चीज़ पे जो है ना, जी जी प्लीज़ प्लीज़, नहीं अगर मैं बाबर की जगह हूँ ना, मैं फोकस करूँ जो चीज़ें मेरी टीम के लिए मैटर करती हैं. मैं रैंडम जगहों पे कोई अपनी एनर्जी ज़ाया ना करूँ कि टूर पे मुझे ये बॉलर चाहिए, अगला वेस्ट इंडीज़ है, मुझे अभी से उसको पता होना चाहिए बाबर को कि मैंने कौन कौन से बॉलर लेके जाने हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं. मेरा नहीं ख्याल उनके जहन में ये अभी से होगा. आई कैन अंडरस्टैंड वर्ल्ड कप इज फोकसिंग ऑन इट, बट अगेन यू हैव अ बैक ऑफ योर माइंड, आगे के टूर भी तो जहन में होने होते हैं ना. लेकिन उसमें उसे ये भी नहीं पता कि वो कैप्टन होगा कि नहीं उस टूर. दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, ऑब्वियसली इफ यू डोंट परफॉर्म. ओके दैट्स अ लिटिल अनफेयर शोएब, बिकॉज़ ही हैज बीन इंटरेस्टेड विद कैप्टनसी. मेरे ख्याल से 2-3 साल लगातार उनको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान अनाउंस नहीं करता ना. आप एक दफा अनाउंस करें ताकि लड़कों को भी मैसेज जाए, एक दफा ये भी करके देखिए. एंड देन एक विजन होता है हर कप्तान का कि यार मैंने कल को छोड़नी है कप्तानी, तो पीछे एक वाइस कप्तान को भी तैयार कर रहा होता है, प्लेयर्स को भी तैयार कर रहा होता है. यू नो वो जब छोड़ के जाता है तो फिर अपने स्टैंडर्ड छोड़ के जाता है. आई रिमेंबर द ट्रांजिशन ऑफ रोहित, जब रोहित को उन्होंने कप्तानी में लेकर आए थे, यू नो दैट कोहली को टाग, यू नो देयर वाज सो मच बैलेंस इन इट, देयर वाज अ मेथड टू. बट फखर, रोहित हैज बीन कैप्टनिंग मुंबई इंडियंस फॉर लास्ट 7-8-9 इयर्स, सो हीज बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये नहीं कि इट बिट गुलकंद तू बन जा कप्तान, ऐसे नहीं बनते कप्तान. एक दफा दोबारा बोलिएगा. नहीं मैं नहीं बोल रहा. इट बिट गुलकंद तू बन जा कप्तान.
राइट दोस्तों, जाना मैंने ब्रेक में था, लेकिन वसीम, मोइन, मिसबा, शुएब, ब्रेकिंग एक स्टेटमेंट आया है मिकी आर्थर का. उन्होंने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ पर मैच के बाद की, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है मिकी आर्थर ने कि इट डिडंट सीम लाइक एन ICC इवेंट टुनाइट, इट सीम्ड लाइक अ BCCI इवेंट. आई डिडंट हियर दिल दिल पाकिस्तान कमिंग थ्रू द माइक्स टू ऑफन. आई वोंट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज. आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट. Neither do I. भैया हमें ये बताओ आप लोगों ने क्या प्लान किया था कुलदीप यादव को कैसे खेलना. दैट्स व्हाट वी वांट टू हियर, नॉट जस्ट रैंडम स्टफ. Yeah, I mean, you think you can get away with this? No, you can't, unfortunately. Yeah, this makes no sense. Wayne, what does this mean to you? Divert कर रहे हैं टेंशन्स को यार. इतने लोगों का दिल खराब हुआ है इस मैच को देख के, यू नो, डिसहार्टेड है, और आप वहाँ पे इमोशनल कर रहे हो उनको, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं. आई थिंक जो इनका काम है, जिस चीज़ के ये प्रोफेशनल है, इनको वो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए रादर देन जस्ट एक नया रास्ता दिखा रहे हैं. यू नो, आई थिंक होप बिल्कुल ठीक है. उनकी एक बात अपनी जगह ठीक है कि ICC का इवेंट है, और आज जिस तरह नहीं, लेकिन उनका होम ग्राउंड एडवांटेज है. मोइन, 50-50 चल रहा, बट मैं कह रहा हूं एज अ कोच उनको नहीं करनी चाहिए थी बात. हां, आई डोंट थिंक दैट दिस स्टेटमेंट, आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली आफ्टर दिस लॉस, यू वांट टू नो व्हाई वी winning and losing is part of it, we all understand that, but why, what was the plan? Huh. You know, Kuldeep ko middle over mein kya khelne ka plan kiya tha? Look, it home advantage tha India ko. It is an Indian stadium, it had sure. an Indian audience. You know, crowd audience. Fair. So we should be used to these things, we should be able to, you know, play. I think we should rather praise them. Yeah. Jab hamare yahan pe event ho, so hum bhi is tarah utilize kare, we should learn. Agar aisa kuch ho raha hai, we should learn from them. All right, with that, it's time to take a break on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhri Anam. You're watching Sports and Sports and the Yahoo Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And we're talking about the India-Pakistan game. India winning this one and moving on and going right on top of the table. अभी एक हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज यू नो, पिकिंग अप थिंग्स एंड ऑल. मिकी आर्थर की भी हमने बात की है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. शुएब, कुलदीप ने जब अपना इंटरव्यू दिया था, उनसे सऊद शकील के बारे में एक सवाल पूछा गया था. सऊद शकील ने यही जो मैचेस खेले हैं, एक दो इससे पहले ODIs जो खेले हैं टोटल, उन्होंने कहा मैं उनके वीडियोस देखता रहा हूं पिछले दो दिन से, वर्क करता रहा हूं. कुलदीप ने अपने इंटरव्यू में अपने मुंह से, मैं दो दिन से इनके वीडियोस देख रहा था, और मैं देख रहा था कि ये स्वीप और ये लेट कट, यानी कि विकेट के पीछे खेलते हैं, तो मैंने प्लान ही हमने ये किया हुआ था कि मैं इनको फ्लिपर और गूगली में जो है वो ट्रैप करूँगा. और उसी कुलदीप ने होमवर्क किया, क्योंकि कुलदीप को पता था कि जहाँ मैं बॉलिंग करने आऊँगा वहाँ पर आइदर बाबर खेल रहे होंगे या रिजवान खेल रहे होंगे या साउथ शकील खेल रहे होंगे, या उन्होंने थोड़े ओवर्स बचाए होंगे इफ्तिहार के लिए, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट. देखिए, टीम प्लान बनता है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल आपको अपना प्लान बनाना पड़ता है, चाहे आप बैटर हैं या बॉलर हैं या आपने कहीं पर भी फील्डिंग करनी है. तो ये स्पॉट ऑन थे, वो आपको अपना प्लान बनाना है, क्योंकि आपके पर्सनल गोल्स हैं. अगर आपने उन गोल्स को अचीव करना है तो आपको हार्डवर्क, सिर्फ ये नहीं है कि आप ग्राउंड में चले जाएं, बॉलिंग कर लें, बैटिंग कर लें, हार्डवर्क ये नहीं है, ये भी पार्ट है उस हार्डवर्क का कि आप पूरा होमवर्क करके आएँ, ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, और आप उसके लिए एक एग्ज़ाम है ना आपका जी, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें सिर्फ वो प्रैक्टिस करना नहीं है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर भी करना है कि यार जिसको मैं फेस करूंगा एज अ बैटर, या अगर मैं बॉलर हूं मैं किसको बॉलिंग करूंगा, मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इसीलिए ही वो सो कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू आफ्टर द गेम, स्पॉट ऑन. और इस तरह एक करना चाहिए, और हमारे भी जो हैं उनको इंडिविजुअल प्लान्स बनाने चाहिए. वो नहीं सोचना चाहिए था दूजे दे ना रहना, अपने दे रहो, अपने पे रहना जरूरी है, अपना होमवर्क हर लिहाज से पूरा होना चाहिए. साढ़े तीन रहना, जागते रहना. ये दैट्स बट मोइन, यू बीन विद द टीम, मिसबा, यू बीन विद द टीम, यू've प्लेड विद दिस टीम, द करंट टीम एंड ऑल दैट, तो क्या इंडिविजुअल प्लानिंग होती है, नहीं होती है? इस तरह कोई वीडियोज आप लोग देखते हैं इंडिविजुअली कि यार मैंने इस जगह पे करना है बॉल, तो मुझे इन प्लेयर्स के लिए तैयार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होता है. एनालिस्ट के साथ बॉलर्स जो हैं वो बैठते हैं, बॉलिंग मीटिंग होती है, बैटिंग मीटिंग होती है. जब मैं लास्ट खेला था पाकिस्तान टीम से, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. अब मेरा ख्याल है 2 साल का गैप है, अब हमारे बैठे हुए हैं, इनको पता होगा, मिसबा भाई को ये बताते हैं, टेक्निकल कमेटी
मैंने बंद करा दी है मीटिंग, मैंने कहा बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करनी विदाउट प्लानिंग खेलना। हर टीम में प्लानिंग तो होती है ना एनालिस्ट की जैसे, लेकिन वो जो बात करें ना फखर इंडिविजुअल प्लानिंग की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसमें आप अपने जिस तरह शोएब ने बोला अपने गोल्स अचीव करते हो, अल्टीमेटली वो टीम के गोल्स हो जाते हैं, यू नो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शोएब कह रहा है बहुत क्लास में स्टूडेंट होते हैं, यू नो फर्स्ट कितने आते हैं, एक एक नंबर पर नहीं आते ना, वो बेस्ट होता है, तो आप उसको कम्पीट करने की तो कोशिश करें ना, आप कम्पीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अच्छा होमवर्क नहीं करेंगे तो कभी भी टॉप रैंक टीम या टॉप रैंक प्लेयर आप तभी बनते हैं जब आपको जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा, दे असेस द कंडीशंस, दे असेस द बॉलिंग और उनके अपने प्लान्स हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस लेवल पर हैं तो डोमिनेट करते हैं, इफ़ यू आर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड तो आपको फिर डोमिनेट करना चाहिए कोई भी बॉलिंग आ जाए। उन्होंने दिखाया पाकिस्तान की टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग, जिसको वो जब वो खड़े होते हैं तो वो सिंगल हैंडेडली फिर मैच जिताते हैं, तो ये पाकिस्तान नो डाउट कि हमारे इन बैट्समैनों ने बड़े ज़बरदस्त रन्स किए सारे, नेक्स्ट स्टेप लेना है अपनी इस गेम को अगले उस पे लेके जाना है कि डोमिनेट करना हमने अच्छी टीम। नाउ इज द टाइम, या नाउ इज द टाइम, डोंट हैव टाइम, नाउ इज द टाइम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, एंड दे हैव द एबिलिटी, वी डेफिनेटली हैव द एबिलिटी, वी जस्ट नीड टू क्लिक नाउ। जी वसीम भाई, वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान वे फॉरवर्ड, आई सपोज दिस bygones are bygones. Just learn from your mistakes. You got 6 more games in this World Cup. You have a chance to qualify. Move on quickly. Shwet, ब्रेक पे ले जाएं हमें, हमने बहुत बातें कर ली हैं, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक बिकॉज वी आर ऑल टायर्ड, सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक। All right, welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY ZAP app, एंड इट इज द कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC वर्ल्ड कप। कुछ देर पहले हम आपको अहमदाबाद से बराह राज सिखा रहे थे पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया, द मैच वन बाय इंडिया स्पेक्टेक्युलरली, इंडियन फैंस कंग्रेचुलेशंस एंड यू डिजर्व टू सेलिब्रेट द 8-0 लीड इन द वर्ल्ड कप्स। हैशटैग आस्क द पवेलियन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, हैशटैग आस्क द पवेलियन। आप लोगों के सवालात काफ़ी देर पहले से आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। विद मी इन दिस पवेलियन आई हैव गॉट 4 फैंटास्टिक क्रिकेटिंग माइंड्स, 4 फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव गॉट शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोइन खान एंड वसीम अकरम, एंड द ओनली थिंग इज दैट वसीम आई एम गोइंग थ्रू दीज हैशटैग आस्क द पवेलियन क्वेश्चंस, वो आज बड़े लोडेड सवाल हैं हमारे पास, मतलब बहुत ज़्यादा लोडेड सवाल हैं। मेरी कोशिश होगी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं उनको यहाँ पर एंटरटेन कर सकें, और बहुत सारे रिपेटिटिव अगर सवाल होंगे तो। एक बंदे ने लिखा था आस्क द पवेलियन पे, आपने मेरा जवाब नहीं दिया 3 दिन से, तो मैं आपका प्रोग्राम बायकॉट, सो हाउ डू वी आर बायकॉट, नहीं I mean, we do. मेरा मतलब है बाजार नहीं सिर्फ you know, I just want to say this one particular thing. We get a lot. अगर आप hashtag आज से पवेलियन पे जाके अभी refresh करें तो आप जरा देखें सवालों की भरमार हुई हुई है वहाँ पर, और ये मैं सिर्फ X की बात कर रहा हूँ, यानी कि formerly known as Twitter. अगर आप इन सब पे जाएं तो उधर अलग भरमार हुई है और Facebook पे अलग भरमार हुई हुई है. So let's just you know dig into this. Wasim, I mean it's a big. I don't know where to start by. Okay, let's start from. Samir Chopra, Dubai se pooch rahe. Greetings from Dubai. When you compare Rohit's innings to Babar's, you realize that Babar Azam wasn't anything special today. Shreyas played as well or better than Babar. Thoughts? Look, Babar is a great player, no doubt about it. Uska record dekh lo, uske score dekh lo, uski batting dekh lo. Today was a different day. I suppose he got his 50 or 58 deliveries, but wo utna out ho gaya aur wo shot, risky shot tha. Milna ek tha. और अगर मिस हो जाता तो बोल्ड था, सो दैट वाज अ रिस्की शॉट ही टू, आई थिंक वहीं से कलैप्स शुरू हुआ पाकिस्तान का, बट इट्स यू नो प्लेयर तो दोनों दुनिया के टॉप के हैं ना, रोहित शर्मा और बाबर आजम। वैसे भी रोहित शर्मा ने जैसी इनिंग्स खेली वसीम भाई, वैसी इनिंग्स कोई भी ओपनर खेलेगा तो जो अगला बैटर आता है उसके रिलेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि सारे बॉलर्स को तो उसने फेंडी लगा दी थी, तो एज यू सेड एब्सोल्युटली राइट। All right, I'm trying to go through these questions as fast as they just keep coming. So I'm trying to think, mein kahan se isko pakdu. All right.
Okay, this is just too much. Do you guys want to also help me by looking at your screens and pick out the questions? Why not? That includes you as well. As well, Mohin. Mohin ka ek bada acha waise. Mohin, aapki ek observation thi, aap jo share kar rahe the break mein hamare saath, coaching staff ke hawale se. Us pe zara thoda sa elaborate karte hain jab tak hum sawal. Main coaching jo bhi staff hai, jo panel hai pura, zyadatar sare, you know, English speaking log hai. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आता है. इसके ऊपर दूसरे भी वसीम भाई भी हैं, मिसबा भी यहाँ पे मौजूद है. मैं चाहूँगा कि ये लोग भी थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द कोचिंग स्टाफ एंड जो भी वहाँ पर ट्रेनर हैं, यू नो. तो इसी वजह से कुछ परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है नीचे जाती हुई, वो फिटनेस लेवल का भी कम होना है. मैं ज़रूर चाहूँगा मिसबा थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें. कम्युनिकेशन जो गैप है, जो बैरियर है एक लैंग्वेज का, वो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा कोचेस की, ट्रेनर्स की बात समझना? देखें, प्रीवियसली पाकिस्तान जब भी कप्तान से भी पूछा गया या प्लेयर्स से भी ये सवाल हुआ है तो दे आर हैप्पी, दे आर सेइंग दैट वी गॉट द बेस्ट मैनेजमेंट और वी आर गोइंग वेरी वेल राइट नाउ इवन बिफोर द एशिया कप वर्ल्ड कप. मतलब कि जो कहते हैं वो मान जाते हैं, I suppose in that sense. The way they are working, but obviously with that performance, जो चीज़ें question mark थी, out of form players हैं, फिर आपका opening में problem है, फिर just giving chances to the bench strength और proper way में जिस तरह आपकी World Cup की तैयारी होनी चाहिए थी उस पर काफ़ी चीज़ें question marks हैं और अभी World Cup में हमें नज़र भी आ रहा है. फिटनेस लेवल्स, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट. वसीम भाई ने पहले बात की, ये तो वही मेरे ख्याल में बता सकते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किन को ले कर चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं. बट दीज आर द वैलिड क्वेश्चंस कि अगर आपके बॉलर्स की पेस डाउन है, उस तरीके से स्पेल नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, लुक आफ्टर हम नहीं कर सके उसकी. So these questions are there. तो पर इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा पब्लिक को भी, हमें भी, क्रिकेट भी, वसीम भाई बिफोर द वर्ल्ड कप. जैसे फॉर इंस्टेंस एहसानुल्लाह के साथ हुआ, उससे पहले बहुत क्रिकेटर्स के साथ हुआ. अब मैं रीसेंट पास की बात कर रहा हूँ, जो नसीम शाह के साथ हुआ, बिग डिसअपॉइंटमेंट नॉट जस्ट टू अस, आई एम टॉकिंग टू एवरी क्रिकेट लवर इन पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड. सो हु इज गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस? You know, that's a very important question because everybody is involved, the whole country is involved in Pakistan cricket team. I think the team director, team management or jo bhi log saath hain team ke and the captain, they have to, because I bet itni jaldi jo cheeze hui hain, jaise aapki management change hui, boards bhi change hue aur uske in between time bhi nahi tha, Asia Cup tha but then World Cup, so itni jaldi aake cheezon ko koi bhi dekhe kis tarike se, that is So something very difficult. In line to that, Ram Venkat ka sawal hai. Hi. Till mid 90s, Pakistan was much better than India in cricket. Then Indian cricket started to become stronger, and now I can proudly say Indian team is as professional as the Australian team. Future India is only going to improve. Why is Pakistan team stuck in the 90s? How can they catch up? This is a valid question. I was open to all of you guys. हाँ जी शिवि, चलो मैं भी दूंगा इसके बाद. देखिए, कैचअप यही हो सकता है. बड़ा छोटा सा जवाब है मेरा इस पर. वी नीड ऑनेस्ट पीपल जो अपने लिए नहीं सोचते, जो जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले वो अपनी नेक नियति के साथ अपना 100% दे. दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल आंसर, मेरा यही आंसर. और जिन लोगों को लगाया जाए, उनका ये था कि 90s तक पाकिस्तान टीम वाज मच बेटर देन इंडियन टीम, बट नाउ आई कैन यू नो प्रोबब्ली से दैट द इंडियन टीम इज मच बेटर, एज गुड एज ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश टीम. आई एग्री 100%. यू गाइस हैव स्टार्टेड प्लानिंग दिस फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड आईपीएल, कि उसके जो पैसा बनेगा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से एनसीए में लगाएंगे, बेस्ट कोचेस, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट सिस्टम्स लेके आएंगे और फर्स्ट क्लास में डालेंगे. अब फॉर इंस्टेंस कोई भी इंडियन राइट्स खरीदता है, फॉर इंस्टेंस टीवी राइट्स फॉर 3 years और 4 years, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसमें से सर्टन अमाउंट, क्वाइट अ बिट ऑफ परसेंटेज गो ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, वो लाइव दिखानी है टेलीविजन पे, यूट्यूब पे नहीं, दो कैमरे लाके लाइव, पूरी कॉमेंटेटर्स, एवरीथिंग, फुल प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन,
फर्स्ट क्लास, उनका जो T20 एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता है, फिर उनकी रणजी ट्रॉफी भी होती है, यू नो ऑल दीज थिंग्स. हम पीछे को जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. देखो स्ट्रेट है, मैं भी वो पाकिस्तानी कल्चर, वो कह सकता हूँ मिट्टी पाओ छड्डो, चूठना मारो, यू नो सच सच ना बताओ, इधर से उधर गोलमोल कर जाओ, बट गोलमोल बात करने की रही नहीं है. अब चेयरमैन चेंज हो रहे हैं साल में तीन तीन, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास चेंज हो रही है, सो यू नो वी आर ऑल्सो लॉस्ट. लाइक एक और चीज़ भी है वसीम भाई, जब जैसे आप कहते हैं कि चेयरमैन चेंज होते हैं, वो अपनी जो है ना वो लेके आते हैं, सिस्टम लेके आते हैं कि अब इस तरह क्रिकेट शुरू होगी. क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, तो क्लब क्रिकेट में भी ये होता है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिनका वोट कैंसिल कर दिया जाता है. वो इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है कि लास्ट टाइम ये इस चेयरमैन के साथ इन्होंने उनको सपोर्ट किया था. उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज ये होता है इतने सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आपकी हायर लेवल पे क्रिकेट खेलने का मौका नहीं देता, क्योंकि वो उस क्लब के बच्चे हैं. इसी तरह दूसरे चेयरमैन आते हैं, वो चीज होती है, फिर दूसरों के साथ ज्यादती होनी शुरू हो जाती है. क्योंकि आज से पवेलियन का सिलसिला है. सैम मूसवी अगेन इंडियन, सैम मूसवी इंडियन आपका हैंडल है. आप कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम मेन प्रॉब्लम इज फिटनेस. इट सीम्स 5 to 6 प्लेयर्स लुक दे आर नॉट फिट. The real PCB must invest and create an academy like NCA with professional appointments, ground developments and merit selection. Please answer my points. And I think those points... I think Bezman यही बात की थी कि देखिए हमारे जो जितने भी processes हैं उसके अंदर कोई continuity नहीं है. अभी वसीम भाई ने भी बोला आप board के साल के अंदर दो दो तीन तीन दफ़ा chairman change हो जाते हैं, you know. तो जो staff है जो काम कर रहा है, एक तो unfortunately ज़्यादातर ऐसी पोस्ट के ऊपर नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं, नॉन क्रिकेटर्स बैठे हैं, यू नो जो क्रिकेटिंग डिसीजन भी होते हैं तो वो लोग कर रहे होते हैं. तो आई थिंक इसको पूरा रिवैम करना पड़ेगा. क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स की जॉब दें, टेक्निकल जहाँ पे असिस्टेंस चाहिए क्रिकेटर्स की, तो उन पोस्ट के ऊपर क्रिकेटर्स होने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए. रादर देन कि आप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट आए जो मर्जी डिसाइड करे, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर एवरी व्होएवर इट कम्स कम फॉर एटलीस्ट 2 years, 2-3 years, ताकि वो जो सिस्टम बना के जाए, जो मर्जी करे, कुछ ना कुछ तो कर जाए. अब 3 महीने में आके 6 महीने में किसी ने कोई नहीं कोई कर सकता चेंज. उसमें क्या अच्छा ये मैं इसको थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसमें क्या होता है कि हम लोग इंफरसाइज करते हैं कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन लॉन्ग रन के लिए अनाउंस होना चाहिए, ये हम बात करते हैं. मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी एसोसिएशन टीम के साथ भी किसी कोच को लगा रहे हैं तो वो भी लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए. इसीलिए आप सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं ना, और आपके पास आ सकता है. चेयरमैन आए थे वो मिकी आथर, उनके जेहनी से नहीं निकला, उन्होंने उसको रख लिया वहाँ बैठे बैठे और ऑनलाइन कोचिंग करते रहे. क्लैरिटी इसी तरह आ सकती है कि आपका लॉन्ग रन जो है, आप सिर्फ केक को बाहर से नहीं देखना चाहिए, केक कैसे बनना शुरू होता है, अगर उसकी बेस अच्छी है उसका टेस्ट तभी वो अच्छा देगा ना, और लॉन्ग रन के लिए देगा. तो आप नीचे से ग्रास रूट लेवल से जो है आप कंसिस्टेंसी और लॉन्ग रन के लिए लोग लगाएं, अगर आप लगा रहे हैं ऑनेस्ट लोग लगाएं और जिनका पर्सनल एजेंडा ना हो. यहाँ पे हमारे पास बहुत कल्चर है. बहुत जालिम इंसान हो आप, बहुत जालिम इंसान. केक का जिक्र कर दिया है और केक के अंदर की बात कर दी है, तो मैं तो केक के अंदर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ. वसीम माइंड ना कीजिएगा. आई एम एक्चुअली माइंडिंग इट. नहीं प्लीज डोंट माइंड. आई एम वरीड अबाउट यू. नहीं आप नहीं, आप डोंट बी वरीड अबाउट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई कैन हैव सम केक, एंड इन ऑर्डर टू हैव अ केक आई नीड टू गो इनटू अ ब्रेक. वी विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द केक, आई मीन ब्रेक. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सेंस स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप ऐप, और हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से हैशटैग आज द पवेलियन के आप लोगों के सवाल जारी हैं. हम लोग ब्रेक पे गए थे केक के लिए, मगर बदकिस्मती से हमें कोई केक नहीं मिला. शान मसूद आपकी बर्थडे, यार आप ही कोई केक भिजवा दीजिए स्टूडियो में. आपको पहली बात तो हैप्पी बर्थडे, और दूसरी बात यह कि केक भिजवाइए हमें. आई हैव अ क्वेश्चन जी फ्रॉम गाय कॉल्ड अख्तर रसूल, अख्तर R63221452. तो सौ तक गिनती लिख देनी सी. वो दा क्वेश्चन है कि ऑल द एनालिस्ट सिटिंग ऑन टीवी हैव प्लेड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विद द सेम रिजल्ट्स. नो रॉन्ग अख्तर. एंड हाउ कैन यू बी सो क्रूअल बाय नॉट प्रेजिंग द बाबर आजम गिन. और भाई अगर जीतेगा तो हम प्रेज करेंगे. फड़कास पड़ी है, उन्होंने 50 किया है, तो क्या कहें, झूठ बोल दें. लर्न एक्सेप्ट
to hear criticism as well. And constructive criticism. Constructive. We have not... Bila wajah shuru hai, toxic hai, ye love seekh liya to toxic. वो बंद नहीं होता था यानी वो एक्चुअली आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि नहीं आप ये कि आप लोग कैसे कह सकते हैं यूं कह सकते हैं देखिए सो हियर इज द थिंग वी हैड अ डिफीट पहले सात मैच आप हारे हैं तो आठवां भी हार गए पहले क्योंकि सात हारे हैं तो आठवां भी हार जाओ नौवां भी हार जाओ तो इट्स नॉट लाइक दैट इट डजंट वर्क लाइक दैट यू हैव टू बेसिकली अनफॉर्चूनेटली आई नो देयर आर पीपल आई नो देयर सम पीपल हु आर हार्डकोर फैंस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एंड सम पीपल हु वांट टू सी प्रोग्रेस जनरली इन पाकिस्तान क्रिकेट And we want to just keep a nice, progressive dialogue going on, which cuts across everything and is going to talk about what really is the problem, or at least what we think, or these panelists, these team panelists think. It's a new trend now. If your team is not playing well, and if you criticize, they attack you. I mean, it's like, कि हमारी टीम नहीं है ऐसी नासी के दूसरे मुल्क आए हुए हैं नहीं हां आई नो आई नो एग्जैक्टली हमने जितना भी क्रिटिसिज्म किया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हमने बताया कि सिचुएशन में ऐसे खेलना चाहिए था जो कि वो नहीं खेले Yeah, I see that. Easy हो जाए ये जो जिन्होंने एक एक छः छः महीने पहले क्रिकेट देखना शुरू किया ये वो ही हैं सारे ओके आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी इवन अगर उन्होंने नहीं भी शुरू किया ना शुएब आई थिंक दैट वी शुड डिसरिस्पेक्ट एनीबडी आई थिंक वी शुड हेल्प देम इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जो हम उनको दे रहे हैं एंड आई आई डू अपोलोजाइज यू डोंट डिजर्व यू डोंट नन ऑफ यू गाइस डिजर्व दिस यू गाइस हैव सर्व्ड पाकिस्तान रियली वेल इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके ऑल राइट लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो सवाल आते हैं दो अलग अलग लोगों के एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर सो पहला सवाल जो है वो है कामिल मिन्हास का मी आपका ट्विटर हैंडल है और आप पूछ रहे हैं कामिल मिन्हास व्हाट्स नेक्स्ट फॉर शादाब I believe he needs to be dropped. He has been too inconsistent lately. It's not just form. He looks like he has forgotten how to bowl in longer formats. एक तो ये सवाल आ गया और एक और सवाल है हमारे पास वीडियो ये है करीम इम मजहर एम के और पाकिस्तान का फ्लैग है आपका ट्विटर हैंडल करीम इम अजहर आप कह रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट माय क्वेश्चन इज क्या शादाब और नवाज आउट ऑफ फॉर्म डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में सो ये दोनों क्वेश्चन मैंने जोड़ दिए हैं दो लोगों के द फ्लोर इज ओपन लेट्स स्टार्ट विद यू मिसबा आई थिंक जिस तरीके से नवाज फिर भी बेहतर बॉलिंग कर रहा है और पिछले दो तीन मैचेस में अगर देखें बैटिंग में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके नज़र आया है शादाब की जो बॉलिंग है आज भी इवन ही डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि लैंड करे वो सही जगह पे और जो कैसे आएगा मिस्बा कॉन्फिडेंस आप जो बात कर रहे हैं कि उसने पीछे क्रिकेट अगर खेली हो लंबी क्रिकेट टी ट्वेंटी क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं और सडनली आपको वनडे क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो आपके लिए मुश्किल है और वो लाइन भी उस तरीके से नहीं है पीछे परफॉर्मेंस नहीं है परफॉर्मेंस अगर हो रही होती है अच्छी बॉलिंग हो रही होती है डिफरेंट स्टोरी होती अगर अब ये आपके पास प्रॉब्लम है तो यू आर हैविंग अ बॉलर आई थिंक इट्स द टाइम कि आप उसामा की तरफ जाएं जो आपके स्क्वाड में है अगले मैचेस अब आपके पास बिल्कुल जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नाउ एवरी गेम इज़ डू और डाई आपके पास अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है यहाँ पे और ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यू नो जेन्युइन स्पिनर्स के ऊपर तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है जहाँ बॉल अगर नहीं हो रही शादाब से जी और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप शादाब को एक और चांस भी दे सकते हैं बिकॉज के आपके सामने जो ओपोनेंट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं राइट दोनों थाट्स हैं जो जिसमें कप्तान कम्फर्टेबल है शादाब का ये वर्ल्ड कप पे तो वो है I hope he performed kare he's a good boy he's a good cricketer he's got bright future ahead but ab agar wo nahi pick hota test series ke liye after this world cup pcb should make sure he'll be playing regular first class cricket yeah. that's how you give contract to players not yeah. just white ball khelne ka ye nahi matlab ki aapne sirf white ball hi khelni hai if you are 23 24 year old iska matlab aapne first class khelni hai तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या आगे सेलेक्ट होगे सिंपल मैथ वेरी गुड हमादुल्ला सुहू का सवाल है और मोइन आई ब्रिंग दिस टू यू इंडिया अगर अश्विन को बिठा सकता है और राइट प्लेयर को अपनी मेरिट और मैच रिक्वायरमेंट पे खिला सकते हैं तो हम लोग क्यों चेंजेस
चेंजेस नहीं करते और राइट 11 क्यों नहीं बना सकते? दिस इज हमादुल्ला सुहू। आई थिंक हमारा अगर इस पैनल की बात की जाए तो हमारा सबका कंसेंसस यही था कि जो टीम खेली है वो बिल्कुल ठीक खेली है। इंडिया के नेचुरली अपनी थॉट प्रोसेस होता है और वो जिस तरह की पिचेस है वहाँ पे अगेंस्ट द ओपोनेंट वो नेचुरली दिखा के देख के अपने एनालाइज करते हैं उनको, फिर टीम बनाते हैं, यू नो। तो इस मैच तक तो ठीक थी बात, अभी हमने बात की है यहाँ पे कि अगले मैच में आप चेंजेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको ज़रूरत है एक जनरल स्पिनर की, जो अभी तक हमारा ये डिपार्टमेंट जो है स्पिनर्स का ये अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। फेयर इनफ। हसन, आपका ट्विटर हैंडल है गो टॉक्सी टॉप टू। गो टॉक्सी टॉप टू, हसन आपने लिखा है क्वाइट एन ऑफुल कॉमेंट टू मेक मुझे बाय सेइंग आवर क्रिकेट कुड गो डाउन हॉकी एंड स्क्वाश आउट आफ्टर जस्ट वन लॉस। इंडिया इज द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप, वी आरंट एज गुड एज देम बट वी आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। कुछ ख्याल करें सर। हसन, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू मी, मगर आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेम। इफ़ यू गो बैक, अगर आप पहले पेविलियन में जाएं इस वर्ल्ड कप के भी और पिछले दो जो पेविलियन हमारे गुजरे हैं उनके भी मुख्तलिफ एपिसोड्स को देखें तो मुसलसल एक आपको अंडरलाइन प्रॉब्लम नज़र आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बड़ी अजीब व गरीब हो जाती हैं, चेयरमैन की जो हम बात कर रहे थे बार बार स्विच होता है। और अगर आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में जाएँ और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो स्क्वाश की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको गौर से उनकी तारीख को पढ़ें तो आप नोट करेंगे कि उनकी जो जब हम एक टाइम पर टॉप चैम्पियन थे हॉकी के और स्क्वाश के, जो हमारी वहां से डाउनफॉल शुरू हुई वो एक मैच से या एक टूर्नामेंट से नहीं हुई, वो ग्रेजुअली इसी ट्रेजेक्टरी पे थी कि मुसलसल जो फेडरेशन थी हॉकी फेडरेशन उसमें चेंजेस थी, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, उसमें मुसलसल लोग आ रहे थे जा रहे थे, लोग अपनी मर्जी से भर्तियां हो रही थी एंड एज अ रिजल्ट इट केप्ट गोइंग डाउन डाउन। सो माई कॉमेंट वॉज in lieu of that, that's how it was, but I respect your feedback, thank you very much for that. ji na jaise kuldeep yadav hain wo homework karke aaye the south shakil ke against ya jin ko unhone bowling karni thi, hame zara ye issue hai hum homework kam karte hain, agar hum homework karke bhi questions puchenge na issue nahi hai ye generally overall wohi main keh raha acha you know shoaib mazey ki baat ye hai ki main ye zara padh do na agla sawal, ye jo comment aap kar rahe hain wo mera khayal hai iske sath jud jayegi, ye hai sportaholic aapka twitter handle hai hydra सकीना 007, हैदरा सकीना 007, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट, इफ आई डू मिसप्रोनाउंस समथिंग प्लीज फॉरगिव मी, ओके डोंट होल्ड मी, ट्वीट करके टॉक्सिक लिख देना, टॉक्सिक है। सो स्पोर्टोहोलिक, लेट मी एड्रेस दिस स्पोर्टोहोलिक, आपने सवाल किया पूरे पैनल से, हाय पैनल, जस्ट अ सिंपल क्यू, वी सी इंडिया हैव सेपरेट प्लान्स अगेंस्ट एवरी प्लेयर ऑफ ऑपोजिशन वेयर इज पार्क थिंक टैंक looks clueless with similar errors in every match, no targeted gambles or special plans versus key players, why so and hence so jo aap keh rahe the ye wahi wali baat hogi ji bilkul aur dekhen jab aap haarte hain to is tarah ki cheeze zarur nikalti hain aur I'm a very strong believer ke har cheez ka solution hai aur is cheez ka bhi solution hai ke do your homework, agar फिर भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही तो डोंट गिव अप, राइट, टुमारो विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी अनदर डे। और यही टीम जो है इनको अच्छी टीम, अच्छी बात यह है कि बीच में गैप है, हमारा नेक्स्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 20 तारीख को है एंड वी हैव लाइक 6 डेज इन बिटवीन, तो उसमें बैठें और देखें जो हमारी मैनेजमेंट है उनका काम है जो प्लेयर्स गिरे हुए हैं उनको उठाना, और प्लेयर्स का भी काम है कि इस चीज़ से निकलना, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले ये चीज़ नहीं देखी है, हम लोगों ने देखी है और हम लोगों ने फाइट किया है और उसके बाद हम लोगों ने सक्सेस भी ली है, तो वी हैड अ बैड डे दैट्स गॉन नाउ, देयर बी अनदर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टुमारो, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सात पाशा, सपाशा आपका ट्विटर हैंडल है, सात पाशा सवाल पूछ रहे हैं, इट इज क्लियर वी स्ट्रगल विद द प्रेशर ऑफ हाई इंटेंसिटी गेम्स, इज इट नॉट टाइम फॉर अस टू एंड आवर इन्फैचुएशन विद फॉरेन कोचेज एंड हायर पाकिस्तानी कोचेज दैट स्पीक द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द कल्चर एंड रेजोनेट विद द साइकी ऑफ आवर टीम। मोइन ने इस पे ऑलरेडी अभी बात की, वैलिड, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन राइजेज डू वी प्रिपेयर दीज कोचेज जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास करते हैं टू बिकम द कोच ऑफ पाकिस्तान टीम, डू वी, अब फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल सकलैन कोच था पाकिस्तान का, आप फॉरेन कोच को देते हो $20,000-$25,000 महीना, सकलैन को कोच दिया उसको वही जो उसकी तनख्वाह थी 10 लाख वही महीना दिया, तो ये डिफरेंस क्यों करते हैं हम,
पाकिस्तानी चेयरमैन ही था ना वो। दूसरी जो बड़ी बात है वसीम भाई कि हमारा स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है, एक्सेप्टेंस के स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है। अगर आपके पाकिस्तानी जब कोच आते हैं तो हर चीज़ अंडर स्क्रूटनी होती है। आपकी फिटनेस अभी अगर आप देखें पिछले एक साल में, आप इंजरीज को देख लें सिर्फ, तो जब पाकिस्तानी कोच होता है तो वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी, हल्का सा कोई बंदा कुछ हो जाए तो वो ये क्या हो गया। अभी हमने थोक के हिसाब से हमारे प्लेयर इंजर्ड है। एक कोच है जो कि तैयार कर रहे हैं, आज मैं सुबह आपसे जिक्र करता था, मसरूर, पूरा नाम क्या है मसरूर का, मोहम्मद मसरूर। अभी वो पिछले आई थिंक 5-8 साल से बल्कि ज़्यादा से कोचिंग छोटे लेवल से, 15 अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, अभी शाहीन्स के साथ गया था इमर्जिंग एशिया कप जीत के आया। अब उसको सिला क्या मिला उसकी ये परफॉर्मेंस का कि उसको फर्स्ट क्लासिंग कोचिंग भी नहीं मिली इस साल। That's incredible. तो ये वही उसी चीज़ से रिलेट हो जाती है ना। हाँ। कि जो क्लब किसी चेयरमैन को सपोर्ट करेगी तो वो उसका वोट रहेगा। क्रिकेट बोर्ड समझता है कि आपके जितने भी फॉरेन कोचेज हैं, बेहतर कोचेज हैं, अच्छे कोचेज हैं, तो उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, नॉट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लोअर लेवल टू प्रिपेयर कोचेज, टू प्रिपेयर कोचेज, ओके, दैट्स आल्सो कोचेज, कोचेज के लिए कोचेज आप इंटरनेशनल लेकर आए ताकि वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर सके। आखिरी सवाल इस ब्रेक पे जाने से पहले, नादिया इफ्तिखार नादिया अंडरस्कोर इफ्तिखार 1 आपका ट्विटर हैंडल है। आप कह रही हैं बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनर, शुडंट बी कैप्टन, ही नेवर वन एनी कप स्टेइंग नंबर 1 एंड नेवर वन एनी कप, व्हाई टू स्टे कैप्टन, व्हाई डोंट आवर प्लेयर्स हैव द गट्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी, व्हाई ऑलवेज कैरी फ्रेंड्स विद टीम, व्हाई नॉट थिंक फॉर कंट्री, आई एम हार्ट ब्रोकन, आई लीव इट टू वी ऑल आर हार्ट ब्रोकन यार, आई मीन एनी कमेंट। मैंने तो देखिए बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इस पर, मैंने एक दो इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी बोला था कि बाबर को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, ही शुड प्ले एज अ प्लेयर, वो मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन उसके पीछे मैंने होमवर्क किया था और वो होमवर्क ये था कि बाबर जो है वो एज अ प्लेयर कैन डू वंडर्स फॉर द टीम, फॉर हिमसेल्फ एज वेल एंड एज वेल एज फॉर द टीम। तो मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट बिकॉज वी लॉस्ट द गेम टुडे, बड़े मार्जिन से हार गए, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाबर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं ही सोचता एज अ लीडर, और कभी भी मिक्स नहीं करनी उसकी परफॉर्मेंस और लीडरशिप, लीडरशिप डिफरेंट जॉब है, उसकी जो पर्सनल परफॉर्मेंसेज हैं या जो वो बैटर है वो वर्ल्ड क्लास बैटर है, बट लीडरशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी टाइम से वो कैप्टनसी कर रहा है बट वो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। All right, I hope you got your answer on that. We're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, there's more Ask the Pavilion on the other side. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhri Anand. You're watching Esports 10 Sports in the RY Zap app. The continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Khabar Ahmedabad se hai ki India ne apna match behtareen tareeke se jeete hai Pakistan ke khilaf. Indian fans ko bahut bahut mubarak ho. It's 8-0 now and you can celebrate that. You deserve to celebrate that. What a great performance by the Indian team there. Pakistan team ke bare mein baat kar rahe the, hashtag Ask the Pavilion ke bare mein baat kar rahe the. With me in the Pavilion, I've got four greats of the game. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Right ji, hashtag Ask Pavilion. अगला सवाल मोहसिन अतीक, मैं दो सवाल इकट्ठा मर्ज करूंगा बिकॉज दे आर सिमिलर इन नेचर। मोहसिन अतीक का सवाल है, क्लियरली शाहीन इज नॉट जनरेटिंग पेस एंड बाउंस, दिस इज सम कंसर्न, इफ नीडेड प्लीज सेंड हिम बैक टू रिहैब बट ही शुड बी फुली फिट टू प्ले। सेकंड क्वेश्चन, शादाब इज बॉलिंग फुल टॉसेज एंड यॉर्कर्स रेगुलरली, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। और दूसरा सवाल जो है वो आया है हमारे पास सौरदीप का। सौरदीप कह रहे हैं, डज द पैनल थिंक दैट शाहीन इज फुली फिट, he seems to lack pace and rhythm, also Haris Rao's performance against good teams are questionable, is only extreme pace enough to beat good batsmen? Two questions, open floor for all of you. I'll start off with Haris Rao. aapne bilkul theek kaha ki khali pace se top ke batters maybe one off out ho jaye, ek dafa out ho jaye, do dafa ho jaye, but every time pitches like this wo nahi honge. You have to fox them out, you have to walk back of a length, create pressure kaise create karoge jab field khuli hogi, डॉट बॉल्स आप उनको रन्स ना दो। हारिस की प्रॉब्लम है कि विकटें लेता है बट वो रन्स भी देता है बिकॉज वो कंसिस्टेंट लेंथ नहीं है उसकी जो हम बात करते हैं, जैसे बुमराह का अगर आप पिच मैट देखें तो उसकी लेंथ कंसिस्टेंट है और हर बॉल विकटों में ख़त्म हो रही होती है। अगला सी उनका दूसरे का भी सवाल था कि शाहीन की वो फिटनेस के ऊपर, दोनों लोग ये पूछ रहे थे शाहीन की फिटनेस पे और शादाब की इनकंसिस्टेंसी पे। शाहीन
अनलकी रहा है थोड़ा अनलकी, अब हर मैच में तो आउट नहीं करेगा, बाकी बॉलर्स ने भी तो आउट करने हैं आई सपोज. ही हैज़ बीन बॉलिंग वेल फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली ही हैड एन इंजरी, नी की इंजरी हुई, फिर उंगली की इंजरी हो गई, फिर उससे पहले उसको एल्बो की इंजरी थी. सो ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है बॉलर्स को 100% होने में, वापस आने में. होपफुली 85, 86, 87 पेस ठीक थी, थोड़ी लाइन उसकी ठीक नहीं थी. और शादाब का सिंपल सोल्यूशन मैंने चेक कराया था, आई थिंक आई एम राइट के ऑलमोस्ट 2 years ago he played last longer version of the game. That was a test match. Right. उसके बाद वो नहीं खेला. एक और भी चीज़ है वसीम भाई, उनका भी जो है ना फ्रैक्चर हुई थी फिंगर, वो किसी मेरा ख्याल लीग से वापस भी आए थे ऑस्ट्रेलिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिग बैश में उनको बॉल लगी थी, फ्रैक्चर हुई थी उनकी फिंगर, तो उसके बाद से ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग. या तो ही इज़ नॉट फुली रिकवर्ड, पेन है तो वो पता लग जाता है बॉलर को, डिस्कम्फर्ट है वो भी पता लग जाता है, बट दिस इज जस्ट लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ T20 में बैट्समैन ने आपको जो हिट मारनी है वो चांस है आउट होने का ज़्यादा है, बिकॉज 4 ओवर करने हैं, 20 ओवर है, बैट्समैनों ने मारनी है तो चांस मिलना है, बड़े में नहीं है वो. ओके सॉरी ठीक है. और राइट जनाब, सुफियान 3884 और फिर बड़ा लंबा उनका नंबर है, और उन्होंने एक तस्वीर ये ट्वीट की है कि ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, विराट कोहली बाबर आजम जो है वो मैच के बाद विराट कोहली से मिले हैं और उनसे इंडिया की टीम शर्ट्स, वो जो टीम शर्ट्स नहीं होती आप कर्टसी में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. सो बाबर आजम इज़ रिसीविंग 2 shirts फ्रॉम, उनका सवाल ये है कि आई कैन सी बाबर आजम इज़ रिसीविंग 2 shirts, एवरीबडी शोइंग दिस क्लिप ओवर एंड ओवर अगेन, बट आफ्टर योर फैंस आर सो हर्ट आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, दिस शुड बी अ प्राइवेट मैटर, शुड नॉट बी डन इन एन ओपन ग्राउंड. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई सेड व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर. राइट, टुडे वाज नॉट द डे To do this. अगर करना है, अगर चाचे के पुत्र ने कह दिया है कि टी शर्ट चाहिए कोहली की तो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम से जाके ले लो. ऐसे भी तो हो सकता है कोहली ने शायद मांगी हो, यू नेवर नो. कोहली दे रहे हैं ना, नो दो तो दो दो टी शर्ट्स हैं इंडिया की जो कोहली उनको दे रहे हैं, दैट्स बेसिकली. उंगली भी डुबो दी है चाय में, छत्ती बिस्कुट खा गया. तो मैं क्या करूं, केक किसी ने दिया नहीं है और खाना हमने खाया नहीं. yeah, है I'm worried about you. इधर दे दे. मेरे हाईजैक हो गए बिस्किट. no, all right, tomorrow we have another game. This is an interesting game. It's England versus Afghanistan. ये कल मैच आपकी खिदमत हम लेकर आ रहे हैं 15 अक्टूबर दिल्ली से. ये बराह रास्त 1:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होगा. हम कल इस मैच को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. हमारी ब्रॉडकास्ट टाइम यहाँ पर स्टार्ट होगा 12 बजे एट 12 noon. Or this is a match. This is going to be interesting. Let's see how Afghanistan fares against England. England, of course, also wants to fire up really well. And with this, I thank you, Charum Bhaiyon, Shukran. Thank you, Shweb. Thank you, Moin. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. Thank you, Moin, again for the kunna. Aaj Moin Khan, हमारे लिए कुन्ना बनवा कर लेकर आए थे खास तौर पे जब हमने खाया. And enjoy your tea. Dip your biscuits. Good night. See you tomorrow.